आलस्य छोड़कर मतदान करिए, रिकॉर्ड तोड़कर मतदान करिए और विकसित भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए और गौरवशाली भारत के लिए जिसको उचित समझिए उसे मतदान करिए। क्योंकि एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। इसलिए निष्क्रियता मत दिखाइए, मताधिकार आपका अधिकार भी है और कर्तव्य है। 400 पार का नारा दे रही है एनडीए और विपक्ष कह रहा है कि इस बार 400 पार नहीं होना है। मुझे लगता है कि सुधांशु त्रिपाठी को आप सुन रहे थे और सभी लोग अपने अपने जगहों पर वोट कर रहे हैं। लखनऊ में सुधांशु त्रिपाठी जो एक वीवीआईपी वोटर हैं वो पहुंचे थे वोट करने के लिए और उन्होंने कहा कि लोगों से कहा कि देखिए भाई आप घरों में मत रहिए, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, कितनी भी दिक्कत क्यों ना आए, वोट जरूर करें। रतिभान त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से कंचन ने भी पूछा रतिभान जी कि लगातार बीजेपी यही कहती रही है कि अब जीत कर हम ही आएंगे, 400 पार का नारा भी दिया है, वोट परसेंटेज कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो लहर थी ना वो लहर नहीं दिखाई दे रही है। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो कहते हैं कि शायद सत्ता परिवर्तन हो जाए, वोटिंग परसेंटेज कम होता है, इस तरह की तमाम बातें होती हैं, लेकिन इस तरह से इस बार जो प्रेडिक्शन है वो प्रेडिक्शन करने वाले लोग भी ये सोच रहे हैं कि ये किस तरह का वोट है, किसके पक्ष में जाएगा, ये बड़ा ओहपोह की स्थिति है इस चुनाव में। 2014 के चुनाव के बाद का जो आप माहौल देखें तो 2017 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूं, 2017 फिर 2019 फिर 2022 इन तीनों चुनावों में सड़क पर कोई हंगामा नहीं दिखा, सड़क पर कोई ऐसी ललक नहीं दिखी, ऐसी कड़की नहीं दिखी कि नहीं नहीं सब एकदम पूरी ताकत से वोट देने, लेकिन वोट तो किया, वोट किया और किसे जिताया ये पता है। तो मे बी कि इस चुनाव में भी वही स्थिति हो, पर अभी ये कहना कौन जीते कौन हारे कठिन है। मुझे लगता है वोटों की उदासीनता दोनों पक्षों से है, सत्ता पक्ष से भी है और विपक्ष से भी है।